अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं लीजा मियां। पिछले दिनों मुझे एक कमेंट आया कि आपके हाथ बहुत खूबसूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो मैं अपने हाथों के बारे में बनाऊं और आपको अपना सीक्रेट बताऊं। तो आज हम लोग बनाएंगे एक होम रेमेडी, लेकिन इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके हाथ भी बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उनमें सबसे पहले तो है कॉफ़ी। कॉफ़ी हमें चाहिए होगा सिर्फ एक टीस्पून, वो डाल देंगे। इसके बाद जो हमें रेमेडी चाहिए होम रेमेडी के लिए जो चीज़ चाहिए वो है चावल का आटा, वो भी एक ही टीस्पून जाएगा। और आखिर में जो जाएगा वो है दही। दही लेंगे हम लोग 2 टेबलस्पून। तो मिक्स करेंगे सबको, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अपने हाथों को साबुन से ही धोएंगे अच्छी तरह। मैं यहाँ पे किचन में ही अपने हाथ वॉश कर रही हूँ क्योंकि मैं किचन में हूँ। और रेमेडी तो हमारी रेडी हो गई है, इसको अब अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कॉफ़ी है वो एक कमाल का स्क्रब है, स्क्रब का काम देती है ये। ब्राइटनिंग और वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चावल का आटा सबको पता है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वाइटनिंग के लिए होती हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाज किया 5 मिनट तक, 5 मिनट को छोड़ दिया और अभी इसको हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव ये है कि हम लोग वॉश करेंगे इसको साबुन से, ताकि अच्छे से ये स्मेल भी कॉफ़ी की चली जाए और जो ये पार्टिकल्स है वो भी रिमूव हो जाए। तो हाथ तो मैंने धो दिए और ये देखिए रिजल्ट, बिल्कुल सॉफ्ट और क्लियर हाथ निकल आते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। आप पार्लर बिल्कुल मत जाइएगा, इसको मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रिजल्ट खुद ही मिल जाएगा। तो हाथ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं जैसे बेबी के हाथ होते हैं। तो हाथों के धोने के बाद आप लोगों ने कोई सा भी इस पर मॉइस्चराइज लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपना क्रीम, मैं यही यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाते हैं हाथों को, बहुत नरम बनाते हैं। मैं कई सालों से यही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप रिव्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रिव्यू दे दूँगी। तो इसको अप्लाई करने के बाद कुछ ही दिनों बाद आप मुझे कमेंट में मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है और इससे हाथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत, नरम और मुलायम और बिल्कुल बग़ैर दाग धब्बों के निकल आते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद से पहले तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब भी मत भूलिएगा।